टेंडर्स महाराष्ट्र। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट और बीओक्यू अपलोड करना देखेंगे। हमने टेंडर को डाउनलोड कर लिया है, साथ ही साथ बीओक्यू को प्रिपेयर कर लिया है और डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लिए हैं। बाद में हम उसे बदल भी सकते हैं और पेमेंट भी हम बाद में देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें स्किप हो चुकी है, जैसे डाउनलोड करना, बीओक्यू बनाना, बीओक्यू बनाने से पहले रार फाइल को एक्सट्रैक्ट करना। इसी तरीके से हमने टेंडर सर्च भी कर लिया है और माय टेंडर में उसे फेवरेट में भी कर लिया है। तो अभी मैं माय टेंडर पे क्लिक करता हूँ। ये टेंडर है हमारा अकोला का, व्यू करते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके बॉटम में आना है, कंटिन्यू बिडिंग। हमें पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट का और बाद में देखने वाले हैं हम, पेमेंट नहीं करेंगे अभी। मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो मैं इस पे एक सिंगल क्लिक करूंगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं और यहाँ पर बीओक्यू। आप दोनों में से कोई भी पहले अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि पहले इसे किया जाए फिर इसे। पहले हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, मैं इस पे सिंगल क्लिक करता हूँ। इसकी साइज बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद इसका साइन बदल जाता है। यहाँ से ब्राउज किया जाएगा, ब्राउज होने यहाँ टिक होने के बाद ये बटन इनेबल हो जाता है। मैं इस पर सिंगल क्लिक करूंगा, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे है मेरा फोल्डर तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अकोला का है ये हमारा फोल्डर, इसके अंदर रखे हमने डॉक्यूमेंट। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो भी ये फाइल अपलोड होने लग जाएगी, या फिर इस पे सिंगल क्लिक करके इस पर भी क्लिक कर सकते हैं ओपन। ये टिक हो जाने के बाद ये बटन इनेबल हो चुका है, इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे। यहाँ पर ई टोकन का पासवर्ड डालना होता है, ई टोकन का पिन डालना होता है। मेरे केस में 1 से 8 है, उसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। लॉगिन बटन इनेबल हो जाने के बाद इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर इंटर कर सकते हैं। मैं इंटर करता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखो अभी 1% है, 2% है, ऐसा 100% होता है। इससे थोड़ा वक्त भी लग सकता है और बहुत फास्ट भी हो सकता है, इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है ये। यहाँ पर हमें सक्सेसफुल का ऑप्शन मिल जाता है, ओके कर सकते हैं या फिर इंटर भी कर सकते हैं। मैं इंटर करता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद इस तरीके से साइन आ जाता है। अब मैं बीओक्यू अपलोड करूंगा, मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ। इसकी साइज ऐसे बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे एक्सेल फाइल है, मैं यहाँ पर एक जब मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करूंगा तो इसे ब्राउज करके मैं इसे फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर टिक होने के बाद ये बटन इनेबल हो जाता है, यहाँ क्लिक करेंगे आप। अगर यहाँ क्लिक करेंगे देखो वन लेवल अप, वन लेवल, यहाँ पर देखो डेस्कटॉप है, इस पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे आ जाते हैं हम। यहाँ डबल क्लिक करेंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके ओपन किया जा सकता है या फिर इस पर डबल क्लिक भी किया जा सकता है, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये बहुत जल्दी हो जाता है, देखो ये हो चुका है और बटन भी इनेबल हो चुका है। इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे, ये भी बहुत जल्दी हो जाता है। ऑप्शन आ चुका है सक्सेसफुल का, ओके करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये दोनों फोल्डर पे टिक आ चुका है। बाद में इसे बदला भी जा सकता है और किसी वीडियो में हम देखेंगे कि एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोबारा किस तरीके से अपलोड करते हैं। अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ।